Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new phylum that is Annelida, means the segmented worms. So let's move to the class board. So, dear students, phylum Annelida. or uh, they are commonly known as segmented worms nematodes they were round worms they are segmented worms and uh, सो जर्नल फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आपने फर्स्ट थिंग इज दे प्लास्टिक सीलोमेट्स ठीक है ए सीलोमेट में प्लेटी हेलमेट हमने पढ़े थे ठीक है फ्लैटफॉर्म्स सूडोसिलोमेट्स में प्रीवियसली हमने नेमाटोड्स पढ़े थे अब अब यहाँ से आगे ऑनवर्ड जितने भी फाइला हम पढ़ेंगे वो सब के सब सीलोमेट्स हैं और सीलोमेट्स आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है उनको सीलोमेट्स कहते हैं सो देर ट्रिप्लोप्ला ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट्स एंड The first thing now they have bilateral symmetry. So, means the may center say imaginary line. पास कर सकती है और जिसमें दो साइड्स बनती हैं बॉडी के लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी इक्वल ऑलमोस्ट इक्वली द डिवीज़न ऑफ द बॉडी पार्ट एंड अनदर थिंग दैट इज दर्ड एनेलिटा ये जो वर्ड है एनेलेटा इट इज अ लैटिन वर्ड अ लैटिन वर्ड that is annulus that is annulus you waha se derive hua annelata which means which means little ring which means लिटल रिंग छोटा सा दायरा रिंग लातीन जुबान का ये लफ्ज एनिलस अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स दे आर द मोस्ट द मोस्ट फैमिलियर जिन वर्म्स को हम सबसे ज्यादा जानते हैं और जिससे फेमिलियर हैं वो यही हैं एनलिट्स ये ठीक है एंड दे हैव कॉट मैटामैरिक सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट चीज है इसको मार्क कर लीजिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनिलट्स क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिमिलर एक जैसे सेगमेंट्स एक जैसे सेगमेंट्स हैं और एक जैसे सेगमेंट्स का मतलब कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर एक के अंदर सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है विच मीन्स ईच सेगमेंट Of annelid possess the same organs, they have gut matlab digestive system and vesk blood vessels and nerve cord running longitudinally इन एवरी सेगमेंट हर सेगमेंट में ये तीन स्ट्रक्चर्स लाजमी होंगे तो उस जैसे एक रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं हर एक जो एक क्लास की रेलगाड़ी है उसमें ट्रेन में जो डिब्बों के अंदर जो उनकी बोगीस होती हैं ट्रेन की बोगी तो उसमें जो नंबर ऑफ जो फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है तो वो एक जैसा होता है एक जैसी कुर्सियाँ होती हैं पंखे एक जैसे लगे होते हैं एक जैसे उनकी द, जो है वो सेप्रेशन्स होती हैं डिविजन्स होती हैं तो आप हर बोगी के अंदर सिर्फ ऊपर नंबर पहचान कर आप उसमें एंटर हो सकते हैं अगर नंबर ना पहचान लिखा हो तो आपको उसमें आइडिया नहीं होता कि आपकी कौन सी सीट थी ठीक है सो इसी तरह से इनके अंदर में जितने भी सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट के अंदर गट भी मौजूद है ब्लड वेसल्स भी रन कर रही हैं नर्व कॉर्ड भी लौंग चुनी रन कर रही है और बाकी सेपरेशन ज़रूर हैं ठीक है इन एवरी सेगमेंट अगर अब हम अब सेपरेशन की बात करें द सेपरेशन और डिवीजन ऑफ सेगमेंट्स इज विजिबल इज विजिपल एक्सटर्नली बाहर से भी नजर आती हैं ठीक है बाय कंस्ट्रक्शन ऑन बॉडी सर्फेस एज वेल एज इंटरनली सेप्टा ठीक okay. है तो अंदर सेप्टा मौजूद हैं बाहर से कंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिसकी वजह से बॉडी की जो तो सेगमेंटेशन हैं वो बहुत वाजे होती हैं लाइक दिस दूसरा से सेगमेंटेड बॉडी अर्थफॉर्म देखा होगा नाम सुना आपने अर्थफॉर्म का ठीक है तो इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी तो ये बाहर से भी सेगमेंटेशन नज़र आती हैं और अगर कट करके देखें तो अंदर भी सेगमेंटेशन मौजूद है मतलब अंदर से सेप्टा से ये बाहर से ये देखिए कंस्ट्रक्टेड है यहाँ से एरिया कंस्ट्रक्ट है ये कंस्ट्रक्शन है ये बॉडी सरफेस पे और अंदर वाले साइड पे ये सेप्टा है सेप्टम ठीक से है जिसकी वजह से ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में मैंने बताया कि तीन चीजें कॉमन है गट ब्लड वेसल्स और नर्व कॉर्ड ये हर सेगमेंट में से गुजरेगी इस तरह की जो सेगमेंटेशन होती है उसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो एनिल्स में मौजूद है एंड नाउ अबाउट बॉडी कैविटी सो इफ यू टॉक अबाउट देयर बॉडी कैविटी द बॉडी कैविटी ज फॉर्मड बाय द जी टे कैसे बनती है इनकी बॉडी कैबिटी बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजो जो थर्ड लेयर डिवेलप हुई इनकी ट्रिपल ब्लास्ट के अंदर तो उसमें जो मीजो जब स्प्लिट करती है तो उससे बनती है बॉडी कैविटी ठीक है और वो किस तरह से बनती है सो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिजोटर्म इन टू पेराइटल लेर पेराइटल लेर के लाइंस लाइनिंग द बॉडी वॉल बॉडी वॉल को लाइन करेगी उसके साथ अटैच है एंड विजरल लेयर लाइनिंग द क्यूटिकल ऑफ इंटरस टाइम और गट तो डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की थी ठीक है तो एज इट इज इसके अंदर भी इसी तरह से मौजूद है उसी को देख लीजिए एक दफा ठीक है तो उसके दरम्यान में बन गई क्या बची? फॉर्मिंग Siloam. here the true body cavity the true body cavity and it is filled with the siloam is filled with siloamic fluid जो कि यहां पर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का भी काम करेगा विच ऑल्सो वर्क्स एज विच ऑल्सो वर्स एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्लियर सो दिस इज हाउ वट वी कॉल्ड एज दियर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटी और नाउ ये स्टूडेंट्स इनकी बात करेंगे अबाउट द सिस्टम्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर बहुत मस्त है बिल्कुल जबरदस्त है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ It consists of mouth at anterior end here and uh, then there is pharynx esophagus and gizzard. इंटस्टाइन एंड एनसियर एन एस एट पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है सो दैट इज दियर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर और जबरदस्त किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका So here is the digestive system. So mouth then pharynx esophagus gizzard and the intestine एन एस और याद रखिए कि इसका जो माउथ है इट इज ओवरहंग बाय अस्ट्रक्चर ये जो आगे माउथ यहां पे ये तो माउथ है आगे एक स्ट्रक्चर है ऐसे कहते हैं प्रोस्टोमियम द माउथ इज ओवरहंग्ड बाय प्रोस्टोमियम प्रो का मतलब पहले स्टोमियम का मतलब माउथ माउथ से पहले ठीक है एक ओपनिंग यहां पर यह स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये अटैच होता है माउथ इसका सो दिस इज प्रोस्टोमियम एंड दिस इज द माउथ एंड फेरिंगस then this is esophagus and uh, the stomach, gizzard इसको क्रॉप भी कहते हैं ठीक है इसी को ये स्टोमिक का ही काम करता है इसका क्रॉप देन गिजर्ड और फाइनली दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब इंटेस्टाइन और एट द एंड पोस्टीरियर एंड इज एनस सो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेगमेंटेड वोम क्लियर और प्रोस्टोम याद रखिएगा यहाँ पर द माउथ इज ओवर हंगड पाए इसे माउथ से पहले एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये माउथ अटैच होता है ऐसे प्रोस्टोम कहते हैं Now the students uh, there about their excretory system. Now the excretory system. So excretory system Zabatas fit they have closed network of excretory tubes excretory tubes with internal ciliated ओपनिंग एंड कॉल्ड इसी को कहते हैं मेटानेफ्रीडियम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम और आपको याद है कि जो प्लेनेरिया के अंदर उनके अंदर प्रोटोनफ्रेडियम है यानी के अंदर मेटानेफ्रीडियम ये थोड़ा सा एडवांस्ड है ये बेहतर है उससे एज कंपेयर टू द रिया ठीक है वो प्रोटोटाइप थी मतलब इससे मतलब कि वो शुरू शुरू का ये थोड़ा सा उससे बेहतर है हर सेगमेंट के अंदर याद रखेंगे ईच सेगमेंट हैव अ पेयर ऑफ मैटानेफ्रीडिया विच ओपन टू एक्सटीरियर बाय नेफ्रोस्टोम और नेफरी डोपोर उसको नेफ्रीडियोपोर भी कहते हैं बाहर वाले साइड पे ठीक सो हेयर इज एक्सक्रूटर सिस्टम सो सेगमेंटेड और इसका मैं दिखाने लगा आपको क्रॉस सेक्शन तो यहां से इसको कट किया नाउ आई एम शोइंग क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस सेक्शन में किस तरह से नजर आएगा ये चलिए ऐसा है करते हैं थोड़ा सा इसका लॉन्ग सेक्शन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक है नॉट क्रॉस सेक्शन द लॉन्गिटूनल सेक्शन उसमें कुछ बेहतर हेल्प मिलेगी आपको समझने में तो ये मैंने दो सेगमेंट्स यहाँ पर लॉन्ग सेक्शन में कट करके आपको दिखाए और ये तीसरा होगा ठीक है सो दिस हाउ दे आर प्लेस्ड अब इन मेडिकल स्टूडेंट्स किस तरह से अरेंजमेंट है you should look. तो एक तो इंटरनल ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग ये आ रही है अंदर की तरफ और ये सीलिएटेड है इस तरह से इसके गिर्द सीलिया मौजूद हैं इसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम फिर ये अंदर की तरफ जाकर एक क्वाइल ट्यूब बनाएगी इस तरह से और अल्टीमेटली ये बाहर की तरफ खुलेगी जाके यहां पर इस शक्ल में सो दिस इज द मैटानेफ्रीडिया ये एक बनाया मैंने ठीक है इसका पेयर मौजूद है अ पेयर इज देयर सो दिस इज वन मेटाडफेडिया और इसी के किर्थ फिर वो ब्लड वेसल्स हैं कैपिलोरीज हैं ठीक इस तरह से सो दिस वन इज कॉल्ड दे आर सीलिया एंड दिस ओपनिंग ये अगले सेगमेंट में खुल रही है ठीक है और उसके अंदर मौजूद है सिलोमिक फ्लूड तो सीलिया की मूवमेंट से वो सिलोमिक फूड इसके अंदर एंटर होगा यहाँ से पास करते हुए जब ये ट्यूब्स के अंदर आएगा तो यहाँ से जो ए, काम की चीजें सॉल्ट और वाटर वो इस ब्लड वेसल्स इन ब्लड वेसल्स के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे ठीक है इनके अंदर जाए बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा वो यहां से होता हुआ या इधर पहुंचेगा ठीक है दैट इज द डायलेटेड पोर्शन और बाहर की तरफ फिर ये पोर खोला नीचे वेंट्रली दैट इज कॉल्ड एज नीडियो पोर और इस ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रिडियो स्टोम या फिर सिंपली नेफ्रो स्टोम इसको कहेंगे क्लियर ये इंटरनल ओपनिंग को इसी तरह से अब इसका इसके सेगमेंट पे आएगा तो अगले सेगमेंट का जो स्लोमिक है उसको एक, उसमें एक्सक्रेटरी है कलेक्ट करके और ये इस, इस सेगमेंट से निकाले जाएंगे सो दिस इज देयर डेवलप्ड फिट किस्म का इनका एक्सप्यटरी सिस्टम मौजूद है नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो एब्सेंट है दैट इज एबसेंट क्लियर सो दिस सिस्टम इज स्टिल एबसेंट तो फिर ऑक्सीजन और गैशस एक्सचेंज कहां से आएगी So, gaseous exchange takes place from dorsal and ventral surfaces which are kept. मोइस्ड बाय ग्लैंड्स एंड द एक्सुडेशन ऑफ सेलोमिक फ्लुड तो गैशस एक्सचेंज के लिए जो सर्फेस है रेस्पायरेटरी सर्फेस उसका वेट होना उसका मोइस्ड होना जरूरी है तो यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ ग्लैंड उनको म्यूकस ग्लैंड कहते हैं मुसलसल यहाँ पर म्यूकस सेक्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर चूँकि अंदर सिलो मौजूद है तो सिलो भी थोड़ा थोड़ा रिस रिस के बाहर आएगा तो ऊपर वाले सर्फेस जो है और यानी जो साइडों पे ये वॉइस रहेगी इट विल इट विल कॉस द ईज इन द गैश एक्सचेंज ठीक है तो जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होंगी किस तरह से द ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम डॉर्सल सरफेस वहाँ से डिफ्यूज करके आएगी डॉर्सल सरफेस से इन टू ब्लड वेसल्स इन टू यहां पर आप पहली दफा नाम सुन रहे हैं ब्लड वेसल्स का और इसी तरह से द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज इन करेगी कार कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट वाया वेंट्रल सरफेस, ठीक है तो वहाँ की ब्लड वैसल से वो जाएंगी उसके बाहर वाले स्किन के ऊपर स्किन से फिर वो नीचे डिफ्यूज कर कर तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और इस सरफेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके अंदर को मौजूद होगी मतलब कि अंदर की तरफ डिफ्यूज़ करके आएगी नाउ द नर्वस सिस्टम So they have well developed nervous system, they possess central nervous system, which is composed of. Which is composed of simple train and double. सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड क्लियर यह इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल प्लेन है और डबल सॉलिड ट्रल मतलब नीचे वाले सर्फेस पे और लॉन्ग शुरू मतलब अलॉन्ग देंथ ऑफ दी दर्म सो दैट इज देअर नर्वस सिस्टम और इसके अलावा द नर्व्स इसके अलावा भी कुछ नर्व्स हैं एराइज फ्राम ईच सेगमेंट हर सेगमेंट से नर्व्स भी एराइज कर रही हैं चौथिस इज अ सेगमेंट ड यहां पर मौजूद है इनका सिंपल ब्रेन और फिर यहाँ से जो नर्व कॉड ऐसे नीचे वेंट्रल हो जाएगी सो टू कॉर्ड्स आर आबल डबल डबल कॉर्ड्स हैं ठीक है थीके? ये अलॉन्ग लेंथ ऑफ द अर्थ फॉर्म हर सेगमेंट में से गुजरेगी यही डबल नर्व कॉर्ड गुजरेगी हर सेगमेंट में से डबल नर्व कॉर्ड और फिर अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हर सेगमेंट पे फिर नर्व्स एराइज करती हैं इन्हीं नर्व कॉर्ड से नर्व्स एराइज कर रही हैं इस तरह से सो दिसल नर्व्स जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा है इन इस डबल नर्व कॉर्ड से ठीक है सो दैट इज देयर नर्वस सिस्टम दिस इज सिंपल ब्रेन और ये नीचे चूंकि लोअर सरफेस, यानी जो अर्थ की तरफ सरफेस जो फेस करती है उसे क्या कहते हैं वेंट्रल सरफेस, तो ये दो द नर्व Cords nerve cord double or ventral and these are the nerves. Her segment may up nerves. So this is the nervous system of this of the annelids. Now the circulatory system. So dear students, ye first animals hain according to evolutionary concept, just make closed circulatory system. Hai. They have closed circulatory system. जी स्टूडेंट्स आगे एक्सप्लेन करने से पहले इसको थोड़ा सी इसकी वज़ाहत करता चलूँ सर्कुलेटर सिस्टम दो तरह का होता है चैप्टर नंबर फोर्टीन में डिटेल से पढ़ेंगे uh, इसकी दो मेन हैं एक होता है ओपन सर्कुलेटर सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में uh, जो सर्कुलेटिंग uh, फ्लूड होता है जो लिक्विड होता है जो फ्लूड होता है वो एज अ होल पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो किसी भी ब्लड वैसल के अंदर इनकलोज नहीं होता और वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आता है विद द टिश्यूज जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड विल फ्लो विद इन द ब्लड वेसल्स ठीक है शर्यानों के अंदर जो है ये जैसे कि हमारी आर्टरीज वेन्स और कैपेलरीज हैं इनके अंदर सिर्फ ब्लड जा सकता है किसी और जगह पे ब्लड नहीं ट्रैवल करता इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करे उसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और जिसमें ब्लड वेसल्स ना हो वो डायरेक्टली टिश्यूज को बात कर रहा हो तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है इन विच ब्लड फ्लोज क्लियर? और इसमें फिर ये ब्लड जो है वो फ्लो करता है और इनमें जो ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो इसमें मुख्तु तरह की ब्लड वैसल्स मौजूद हैं इसमें डॉर्सल ब्लड वैसल वेंट्रल ब्लड वैसल देन देर इज सब न्यूरल ब्लड वैसल एंड कॉमिश्रल ब्लड वैसल्स तो ये चार मुख्त तरह की मेजर ब्लड वैसल्स इनके अंदर मौजूद हैं और उनके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड और उनको पंप करने के लिए इनके अंदर मौजूद हैं हार्ट्स और अगर हार्ट की बात करें क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी मौजूद है सो हार्ट इज देव फोर टू फाइव लेट्रल हार्ट ठीक है चार से पांच लेट्रल हार्ट इनके अंदर मौजूद हैं जो कि पंप करते हैं ब्लड को इनकी पूरी बॉडी के अंदर सो है Here it is. So this is our segmented worm. More details, chapter number. टीन में हम डिस्कस करेंगे So this is the circulatory सिस्टम ज आर लेट्रल हार्ट और ये अपर सरफेस पे डोर्सल ब्लड वेसल और ये बिल्कुल नीचे जो है ये सब न्यूरल ब्लड वेसल सब का मतलब मतवता नीचे न्यूरल मतलब कि इसके ऊपर जो है वो नर्व कॉर्ड है इनकी ठीक है ये वाली नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये एक नर्व इसके ब्लड वेसल जा रही है उसको सब न्यूरल ब्लड वेसल कहते हैं और ये वाली दिस इज वेंट्रल वेंट्रल ब्लड वेसल क्लियर और जो इनको वेंट्रल और इसको डॉर्सल को ऑपस में कनेक्ट कर रही हैं ये वाली दे आर द कमिश्रल ब्लड वेसल्स, इनको कमिश्रल ब्लड वेसल्स भी कहते हैं ठीक है सो दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम और अब हम बात करेंगे इनके मस्कुलर सिस्टम की तो यह भी पहले से एडवांस बेहतर है Uh, Roundworm skin is So they have two types of muscles. Number one is the longitudinal. मसल्स लॉन्गिट्यूड मसल्स आर प्रेजेंट एलोंग देंथ ऑफ व दूसरे हैं सर्कुलर मसल्स तो यहाँ पर पहली दफ़ा सर्कुलर मसल्स अपेयर हो रहे हैं Previous roundworms, but may circular muscles absent. Now, here are also circular muscles. So, circular muscles are present along the circumference of. बॉडी और फिर लोकोमोशन कैसे होगी वन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वैन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बॉडी इलांगकेट्स ये खास बात याद रखनी है तो बॉडी क्या होती है इनकी इलांगट हो जाती है अगेंस्ट अगेंस्ट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और व्हेन लॉन्गिट्यूडल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बॉडी शॉर्टेंस एंड बिकम थिक सो इस तरह से ये खास बात याद रखनी है सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है बॉडी इलांगेट लॉन्गिट्यूड मसल्स से बॉडी शॉर्ट हो रही है सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर और इनके अंदर मूवमेंट किस ये बताता हूं किस तरह से होगी तो इस पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये ऐसे लॉन्गेट हो चुकी है यहां पर लॉन्गेट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो है तो बॉडी क्या होती है शॉर्ट हो जाती है और इनके मूवमेंट किस तरह होगी इसे देखिएगा तो ये एंटीरियर चिन्ह पहले ये नीचे ग्रिप करेंगे मट्टी के ऊपर ठीक है सॉयल के ऊपर ये जहाँ पर इन्हें लोकोबॉट करना है फिर क्या करेंगे इस रीजन के जो आगे वाला रीजन है इसके लॉन्गिट्योड तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लॉन्गीट्यूब तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से ठीक है फिर ये यह यहाँ से ग्रिप को उतारेगा अपनी और फिर यहाँ के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी बॉडी ऐसे आगे की तरफ लॉन्गेट हो जाएगी इस तरह से ठीक है सो तो इस मूवमेंट को एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट भी कहते हैं इस तरह से ये इस तरह से मूव करता है ठीक है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लॉन्गच मसल्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर बॉडी इलॉन्गेट आपने देखा कभी बैलून वा तो उसको पकड़कर जब हम पैसे कंप्रेस करते हैं ऐसे कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है वो आगे से निकल जाता है इलॉन्गेट हो जाता है और अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा क्लियर सो दिस इज हाउ द लोकोमोड दिस इज अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट Yeah. Uh, जो इस इनके अंदर हो रही है सो दीज आर द सर्कुलर मसल्स जो इस किस तरह सर्कम पे मौजूद है और इसी तरह से लॉन्गिट्यूडल मसल्सियर एंड दीज आर दौन्गिट्यूडल मसल्स तो इनके अंदर लॉन्ग टर्म मसल्स भी हैं और सर्कुलर मसल भी मौजूद हैं इस बात को याद रखना आपने जबकि राउंड वर्म्स के अंदर लॉन्ग टर्म मसल्स थे सर्कुलर मसल उनके अंदर एबसेंट थे सो रे स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फाइलम तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़